बजेट सत्रनो आजथी आरंभ थता गांधीनगर राजकीय रीते धमधमतू बन्यो छे अने चूंटणी वर्षमां छेल्ला बजेट सत्रमां विपक्ष सरकारने घेरवानी फिराकमां छे तो शासक पक्ष लोकरंजक बजेट आपी प्रजामत अंके करवानो व्यूहमां छे अने शासक अने विपक्षना बजेट सत्र माटेना दावाओ मोटा छे पण शुं आ दावाओ खरा उतरशे ते सवाल थई रह्यो छे। राज्य भाजप सरकार की टर्म नू आ छेल्लू बजेट छे। आज थी विधानसभा गृह में बजेट सत्र नो प्रारंभ थयो छे। कुल 21 दिवस चालनारा बजेट सत्र में कांग्रेस विपक्ष तरीके भाजप सरकार ने घेरी पोतानी राजनीति की ताकत अने हारीज दर्शावशे। खेडूतोना मुद्दा होय, बेरोजगार युवानोना मुद्दा होय, जूनी पेन्शन योजना नी वात होय, करार आधारित नौकरीओनी वात होय, आ तमाम मुद्दाओं ने प्रजा ने पड़ती अगवड़ताओं ने विधानसभा नी अंदर आक्रमकता थी रजू करवाना छे। कांग्रेस नो आक्षेप छे के भाजप सरकार कांग्रेस नी मांग नो स्वीकार करती नथी। भाजप राज्य में विविध कौभांडो अने गैररीति थी विपक्ष ना प्रश्नों ने जवाब आपी शकती नथी। सरकार श्री द्वारा स्वीकारवामां आवी नथी। अगर सरकार श्री गुजरात ना जे प्राण प्रश्नो छे जमालपुर खाड़िया धारासभ्य इमरान खेड़ावाला बंद फेक्टरी मामले बेनर अने विशिष्ट स्लोगन धरावता कट एव ने धारण करी विधानसभा में पहुंची बंद फेक्टरी चिंता करी हती। તેના અંદર 3000 થી વધારે ફેક્ટરીઓ જે આજે બંધ છે, જે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલી છે, જેના કારણે આજે અમદાવાદ શહેરના અંદર જે લોકોને રોજીરોટી મળવી જોઈએ તેવા લાખો કારીગરો બેકાર થયા છે, કેટલાક પરિવારોએ તો આત્મહત્યા કરી છે। એટલે સરકારને મારી વિનંતી છે કે આના માટે કોઈ કાયદો ઘડે। રાજ્યમાં વિધાનસભા સત્રનું લાઈવ પ્રસારણ થાય તેવી માંગ કોંગ્રેસની છે, પણ રાજ્ય સરકાર કોઈ અગમ કારણસર આ માંગને હંમેશાથી નકારે છે। લોકસભા અને राज्यसभा जयरे लाइव थती हो तो गुजरात केम नहीं? भारतीय जनता पार्टी डरे छे। डरे छे नु कारण आपने कहू के विधानसभा गृहनी अंदर जे प्रश्नोत्तरीनो काळ होय छे, ए प्रश्नोत्तरीना काळमां भारतीय जनता पार्टीना धारासभ्योना हाथमां मिनिस्टरो द्वारा चिट्ठी पकड़ाई देवामां आवे छे अने आमणे जे चिट्ठीमां लख्युं होय एटलो जे प्रश्न पूछी शके छे। आम चूंटणी वर्षमां कांग्रेस भाजपने विविध आक्षेपो करी मुसीबतमां मूकवा मांगे छे। कांग्रेस बजेट सत्रमां भाजपने चौतरफ घेरी पोतानी हाजरी नोंधावानो प्रयास करे छे, पण शुं कांग्रेस पोताना इरादामां सफळ थशे? ब्यूरो रिपोर्ट, मंतव्य न्यूज़।